हेलो नमस्कार फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। सीएम मोहन यादव का बयान आया है अतिथि शिक्षकों को लेकर। बोला गया है शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है और जो कुछ भी अच्छा बन सकेगा वो किया जाएगा। ठीक है, तो अतिथि शिक्षकों के लिए स्पष्ट बोला गया कि जो कुछ अच्छा से अच्छा बन सकेगा वो किया जाएगा और शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसके संबंध में पूरे विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है मोहन यादव जी का अतिथि शिक्षकों को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने 2 तारीख को रैली निकाली थी, इसके संबंध में मोहन यादव जी ने बयान दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाएगा यानी अतिथि शिक्षकों का भला किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। सरकार की व्यवस्थाओं में ये आपके हाथ में एक पत्र आया होगा। मैं शिक्षा मंत्री बना था, मैंने 150 पत्र अलग अलग प्रकार के लिखे होंगे, लेकिन जन भावनाओं के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थाओं को ऐसे विषयों को लेकर पढ़ते भी हैं। और जब मेरी भूमिका बदली तो अब इस बदली भूमिका में उस पर भी विचार करते हुए जितना अच्छा हो सकता जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक साथी एवं मातृशक्ति बहनों, हमारा कार्यक्रम 5 सितंबर शिक्षक दिवस को है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी को सादर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। सीएम साहब अपने कर्तव्य स्थल पर कर लौट आएंगे। कल सब कुछ विधिवत होगा, लेकिन नहीं होगा तो अतिथि शिक्षकों का भविष्य। हमें हर हाल में भोपाल पहुंचना चाहिए। सभी प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों से निवेदन है मेरा, हम सबको भोपाल पहुंचना चाहिए। लगभग 4 रातों से पूर्ण नींद से सोए भी नहीं हैं। ध्यान रखें, बहुत मेहनत की गई है और अगर ये एक बार पटरी से नीचे उतरे तो चढ़ने में बहुत दिन लगेंगे। फिर ऐसा माहौल ना बनेगा और ना हो पाएगा। अभी तरीका बदला जा सकता है। सबसे पहले श्रद्धांजलि, बड़ी फ़ोटो बनवाएं आज, श्रद्धांजलि दें वहीं पर रोशन प्रा चौराहे पर, और उनसे श्रद्धांजलि देते हुए प्रार्थना करें कि आपकी पुण्यात्मा ईश्वर के पास गई है। हमारे 400 अतिथि शिक्षक साथी भी काल कबलित हुए हैं। ईश्वर और आपका आशीर्वाद रहे तो आज सीएम साहब हम लोगों के जीवन में खुशियां दें। उसके बाद सीएम साहब को भी अच्छा संदेश जाएगा, प्रशासन में भी अच्छा संदेश जाएगा और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए डेट कैंसिल करना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे साथी दोबारा से इतनी संख्या में नहीं आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय अतिथि शिक्षक साथियों। हुई है वही जो राम रच रखा। निर्णय अच्छा लें, जो संकल्प लिया है करें। यदि आज 4 तारीख को अपना होता तो करना उचित नहीं था। कल है शिक्षक दिवस है, सब करेंगे, जाएंगे, शालीनता के साथ रखेंगे अपनी बात, लेकिन एकजुटता दिखनी चाहिए, क्योंकि परसों से DPI अपना नाम और निशान मिटाने के लिए तत्पर है और कई साथी बाहर हैं, कई लोग मर गए हैं, उनकी आत्माएं हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगी। आप सभी का छोटा भाई भूपेंद्र सविता, जिला नवाड़ी।